हेलो माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आई पोस्ट वीडियो रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी, हैक्स, हॉल रिव्यूज एंड लॉट मोर। तो गर्मियों का हाल तो आप देख ही रहे हो, इट्स जस्ट मिड ऑफ अप्रैल और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और गर्मियों में ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती है ओवर साइज टी शर्ट। आज मैं आपके लिए एक ओवर साइज टी शर्ट्स का हॉल लेके आई हूँ। कुछ बेसिक टॉप्स भी हैं जो आपको कॉलेज और ऑफिस जाते हो तो काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू, लेट जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो जो फर्स्ट टी शर्ट है इस हॉल की इज द वन आई एम वेयरिंग और ये मुझे काफी अच्छी लगी। सो हॉल में से मुझे जो भी अच्छा लगता है ना, सबसे बेस्ट मैं उसे पहन के ही वीडियो शूट करती हूँ। सो ये वाली जो टी शर्ट है ना, ये काफ़ी अच्छी है। दिस इज जस्ट फॉर 220 रुपीज़ एंड लुक एट द क्वालिटी, लाइक कोई नहीं बता सकता आपने 220 रुपये में परचेज किया। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, नेक इसकी राउंड नेक है और नेक ना काफ़ी अच्छे से बनाई गई है, लाइक चीप क्वालिटी की नहीं लग रही है। लेंथ जो है ना टी शर्ट की, वो आपको लोअर थाइज पे सेट होगी। मैंने इसे एक्सेल साइज में परचेज किया है सो दैट ये काफ़ी ओवर साइज रह सके, क्योंकि मुझे थोड़ा ओवर साइज लुक वाली टी शर्ट्स पसंद है। सो आपको भी अगर इतना ओवर साइज चाहिए तो यू कैन गो फॉर एक्सेल और या फिर आप मीडियम और लार्ज के लिए भी जा सकते हैं। सो दीज टी शर्ट्स आर ट्रू टू साइज, सो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना आपको कितना लूज चाहिए। सो इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और कलर तो आप देख ही रहे हो, बहुत प्यारा कलर है। कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, घर पे रहते हो, परफेक्ट टी शर्ट्स हैं आउटिंग्स के लिए भी। सो आप इन्हें अपनी जॉगर्स के साथ, जीन्स के साथ, लाइक किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, शॉर्ट्स के साथ। बहुत प्यारी टी शर्ट है, बहुत सॉफ्ट इसका मटेरियल है, अफोर्डेबल भी है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग दिस टी शर्ट इज 10/10 एंड प्रीति रिकमेंडेड। सो आप इसे आंख बंद करके ले सकते हैं, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट टी शर्ट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। जो सेकंड टी शर्ट है वो अगेन काफी अच्छी है, ये काफी ओवर साइज्ड है और इसको जो स्लीव्स का पैटर्न है ना, वो भी थोड़ा ड्रॉप स्लीव्स होती है ना वैसा वाला है। सो काफी नीचे तक आपको स्लीव्स आती है। सो प्रॉपर ओवर साइज्ड बैगी वाली टी शर्ट है और इसकी नेक राउंड नेक है। नेक ना इसे थोड़ा छोटा वाला डिटेल है, लाइक इसमें थोड़ा जो नेक का राउंड वाला डिटेल है ना, वो थोड़ा चौड़ा है, बट इसमें काफी नैरो है, यू कैन सी। और इस पे जो प्रिंट है उस पे लिखा है द एंड और इस वाले के प्रिंट पे लिखा है स्टे स्ट्रॉन्ग ऑसम। सो इसका भी मुझे प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा और इसके ना प्रिंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इसका जो प्रिंट है ना, वो थोड़ा सा मुझे प्लास्टिकी सा लगा, सो आई एम नॉट श्योर ये कितने दिन रहने वाला है। इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है बट इसका प्रिंट में ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लाइक ये निकल जाएगा थोड़े बहुत वॉशेस के बाद। सो आप देख लेना, बट काफ़ी अफोर्डेबल है, लाइक आपको अगर इसने 7-8 बार भी पहन ली ना, सो इसका पैसा वसूल हो जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर 230 रुपीज़, सो उतने में आपने लाइक 8-10 बार भी पहन ली तो पैसा वसूल होने वाला है। इसका कलर काफी ऑसम है और ब्राउन के ऊपर ना ये व्हाइट कलर काफी ज्यादा पॉप हो रहा है। सो काफी स्मार्ट टी शर्ट है, इसकी भी लेंथ ना आपको थाइस तक आएगी। फैब्रिक वाइज काफी अच्छी है, इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल कंफर्टेबल, जैसे टी शर्ट मटेरियल होता है ना वैसा ही मटेरियल है। सो ये वाली टी शर्ट भी रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, जस्ट ये प्रिंट के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। कॉलेज वाली गर्ल्स की फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसी ओवर साइज टी शर्ट्स रहती है बिकॉज काफी कंफर्टेबल रहती है, 7-8 घंटे आपको कॉलेज में रहना है, सो यू वॉन्ट के कुछ कंफर्टेबल हो ये हम स्टाइलिश भी लगे। सो इस टाइप की टी शर्ट्स में ना आप स्टाइलिश भी लगते हो, कंफर्टेबल भी रहते हो, सो आप इन्हें अपने डेनिम्स और जॉगर्स वगैरह लाइक किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। सो दिस इज आवर सेकंड टी शर्ट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। सो जो थर्ड टी शर्ट है वो मैंने इसके प्रिंट की वजह से परचेज की। लुक एट द प्रिंट, कितना ब्यूटीफुल है। एक गर्ल है जिसने मैसी बन बना रखा है, हाथ में कॉफी है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा इसका प्रिंट। और ये ना मैंने मीडियम साइज में परचेज किया है, सो ये ज्यादा ओवर साइज नहीं है, लाइक फिटेड वाला टी शर्ट वाला लुक आ रहा है इसमें। सो मैं ट्राई लगा दूंगी, सो आपको पता चलेगा। इसकी लेंथ भी ना लाइक ज्यादा नहीं है, इन सारी टी शर्ट्स की लेंथ काफी ज्यादा थी, बट इसकी लाइक ठीक है, जितना नॉर्मल टी शर्ट्स की लेंथ होती है ना, रेगुलर टी शर्ट की उतनी ही लेंथ है। और इसका जो मटेरियल है ना, वो टी शर्ट वाला कॉटन मटेरियल नहीं है, ये कुछ और सिंथेटिक मटेरियल है। बट आप इसका प्राइस सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इतने प्राइस में लाइक ऐसा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दिस इज जस्ट फॉर 140 रुपीज और उसके अकॉर्डिंग ये टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली इसका प्रिंट। सो इफ यू आर सकर ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रिंट, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, लाइक मुझे इस टाइप के डिफरेंट प्रिंट्स काफी अच्छे लगते हैं, सो मैंने इसलिए परचेज कर लिया। और 140 और 50 रुपीज में मिलता ही क्या है, बाहर चाट खाने जाओगे ना तो चाट भी नहीं मिलेगी आपको 140 रुपीज में। आपको एक टी शर्ट मिल रही है मीशो से, सो काफी प्यारी टी शर्ट है। अगर आपको कुछ डिफरेंट प्रिंट ट्राई करना है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। मटीरियल इसका कॉटन नहीं है बट इरिटेट नहीं कर रहा है स्किन पे, काफी सॉफ्ट मटीरियल है, लाइक सिंथेटिक मटीरियल है, आपका स्वेट वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट ठीक है, पहनने में ऐसे आपको इरिटेट भी नहीं करेगा कि
शुभ रहा है. सो मुझे काफी अच्छी लगी ये वाली टी शर्ट भी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट टी शर्ट है वो है दिस ब्लू कलर का टी शर्ट और इस पर प्रिंट हो रखा है ओवर थिंकिंग. सो इसका भी ना मुझे ये प्रिंट काफी अच्छा लगा, यूनिक सा लगा. और इसका फैब्रिक काफी अच्छी क्वालिटी का है, जैसा इसका फैब्रिक है ना वैसा ही फैब्रिक है. सो इसके फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है और नेक पे भी जैसा मुझे नेक पसंद है ना थोड़ा ब्रॉड वाला, इस टाइप की टी शर्ट अच्छी लगती है. बिकॉज ये देखने में ना चीप नहीं लगती, वो नैरो वाले जो ऐसे राउंड नेक को फोल्ड करते ना वो थोड़ा देखने में चीप लुकिंग लगता है, बट ये काफी अच्छा लगता है. और इसका भी प्राइस काफी सही है, लाइक 240 रुपीज में मैंने आई थिंक से परचेज किया. सो उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. इसे अगेन मैंने एक्सेल साइज में परचेज किया और ये मुझे काफी बैगी वाला लुक दे रही थी बिकॉज मुझे ऐसा ही चाहिए था. सो दीज टी शर्ट्स आर ट्रू टू साइज, सो आप अपने अकॉर्डिंग लेना आपको कितना लूज फिट पसंद है. और ये भी आपको मिड ऑफ द थाई पे सेट करेगी. सो काफी अच्छी इसकी लेंथ है, फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा औसम है. जो अच्छे वाला टी शर्ट मटीरियल होता है ना सॉफ्ट वाला हॉजरी वाला, वही मटीरियल है और बिल्कुल भी थिन मटीरियल नहीं है. लाइक एक टी शर्ट है इस हॉल में जिसका मटीरियल काफी थिन है, बट इसका और इसका मटीरियल काफी औसम है. सो दिस इज अगेन रेकमेंडेड अगर आपको कुछ ब्लू कलर में ऐसा वाइब्रेंट सा टी शर्ट चाहिए. सो यू कैन गो फॉर दिस, काफी कंफर्टेबल मटीरियल है. प्राइस के अकॉर्डिंग दिस इज 10/10. सो जो नेक्स्ट टी शर्ट है वो अगेन ब्राउन कलर में है, बट इसका ब्राउन और उसका ब्राउन काफी डिफरेंट है. इसका जो ब्राउन है ना वो मोर ऑन डल साइड है, थोड़ा सा इसमें व्हाइट का भी हिंट आ रहा है, लाइक काफी अलग सा कलर है ये. और इस पे लिखा है द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. सो इसका भी प्रिंट मुझे काफी अच्छा लगा, बट जो प्रिंट की क्वालिटी है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी. ये काफी प्लास्टिकी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है लाइक अगर मैं इसे चाहूं ऐसे फाड़ना तो ये हट जाएगा. फैब्रिक जो है ना वो इतना ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी का नहीं है, बिकॉज प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, ये 170 रुपीज की है. सो उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, लाइक आप घर पहनने के लिए कोई टी शर्ट देख रहे हैं कंफर्टेबल फैब्रिक की. सो यू कैन गो फॉर दिस. ऑब्वियसली आप इसे बाहर पहन के तो लाइक इतना अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज इतनी सुप्रीम क्वालिटी की ये नहीं लग रही है. सो आप देख लेना 170 में, लाइक मैं कहूँगी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है इसकी क्वालिटी, इतनी बुरी भी नहीं है जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं. सो आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है बट इतनी अच्छी नहीं है ना. ये मरून वाली और ब्राउन वाली की क्वालिटी अच्छी है ना, उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है इस वाली टी शर्ट की. दीज आर ऑल द टी शर्ट्स. नाउ मूव ऑन टू द टॉप्स. मैंने काफी बेसिक टॉप्स मंगाए हैं. सो दिस इज द फर्स्ट टॉप और इसमें ना ऐसे कॉलर वाला पैटर्न है, छोटा सा वी नेक है, स्लीवलेस है और इसकी लेंथ ना आपको बिल्कुल जहां पर लाइक आपकी जीन्स स्टार्ट होती है ना, जहां पर वेस्ट पे आप जीन्स पहनते हैं वहां तक सिट करेगी. लाइक आप थोड़ा बहुत टग इन कर सकते हैं इसे. सो मैं ट्राई ऑन लगा दूंगी सो आपको समझ आएगा, बट इसकी लेंथ ज्यादा नहीं है. मटीरियल इसका ना रिप्ड वाला मटेरियल है, थोड़ा सा स्ट्रेच है. सो काफी अच्छी टी शर्ट है बिकॉज प्राइस इसका काफी मिनिमल था. आई थिंक ये मुझे 170 रुपीज की पड़ी थी. सो मैं एग्जैक्ट प्राइस ना सबके स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बिकॉज काफी सारी मैंने परचेज की है. सो सबका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, बट ये अंडर 200 है और उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छी क्वालिटी है. मैंने इसे मीडियम साइज में परचेज किया और ये ना मुझे काफी फिटेड लग रही थी. सो आप ना अपने ट्रू साइज से एक साइज प्लस जाना बिकॉज इसका नेक जो है ना वो काफी नैरो है. सो मुझे ऊपर से इसे डालने में इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, मेरा सारा हेयर स्टाइल वगैरह सब बिगड़ गया. सो आप एक साइज प्लस लेना बिकॉज इसको गले में डालना ही ना एक अलग लेवल का स्ट्रगल था. तो अगर आपको अच्छा लग रहा है टॉप तो आई विल रेकमेंड कि अपने साइज से एक साइज प्लस लेना. तो मुझे काफी अच्छा लगा, लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट सा. अगर आपको कोई टॉप चाहिए सो यू कैन ट्राई दिस. काफी बेसिक भी है सो आपको अपने एन नंबर ऑफ जीन्स के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं, बैगी जीन्स के साथ, स्ट्रेट फिट के साथ, जॉगर्स के साथ, सबके साथ स्टाइल कर सकते हैं. सो काफी अच्छा टॉप है लगा मुझे. जो नेक्स्ट टॉप है वो अगेन रिब्ड मटेरियल वाला टॉप है, स्क्वायर इसका नेकलाइन है, फुल स्लीव्स है और इसकी भी लेंथ ना आपको लाइक आपकी वेस्ट पर सिट करेगी, जहां पर आपका जीन्स स्टार्ट होता है वहीं पर आपको सिट करेगी. सो लेंथ ठीक ठाक है जैसे टॉप्स की लेंथ होती है. और इसका जो आप प्राइस सुनोगे ना सो आप लाइक शॉक हो जाओगे, ये जस्ट फॉर 150 रुपीज़ है और उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी. लाइक इस टाइप के बेसिक टॉप ना आई थिंक आपके पास होने चाहिए. सो आप इन्हें डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हो, कभी आप इनके साथ लेयरिंग कर सकते हो, इन्हें एज इट इज़ भी वेयर कर सकते हो. सो इस टाइप के बेसिक टॉप ना आई थिंक होने चाहिए 2-3 कलर्स में, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, इन सब कलर्स में होना. सो आप काफ़ी सॉर्टेड रहते हो बिकॉज ये न्यूट्रल कलर होते हैं, ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ों के साथ चले जाते हैं. सो 150 में ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये टॉप. रिब्ड वाला मटीरियल है सो मटीरियल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. सो आप 150 में और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, लाइक ठीक ठाक मटीरियल है, इतना ज़्यादा भी बेकार नहीं है कि आप लाइक पहन ना सको कहीं बाहर, बट इतना भी प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है लाइक जिसे ज़ारा के और H&M के टॉप्स होते हैं. बट उनका प्राइस भी उनके अकॉर्डिंग होता है, 800-900
करके आपको बेसिक टॉप्स मिलेंगे वहाँ, और ये आपको 150 में मिल रहा है। सो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी ठीक ठाक लगी। मुझे इसका नेकलाइन ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, लाइक सारी ही बॉडी टाइप को ना ये स्क्वायर नेकलाइन काफ़ी अच्छे से फ्लैटर करता है। सो सेम मैंने एक वाइट कलर में भी मंगवाया है, इसका भी नेक स्क्वायर है, फुल स्लीव्स है, और इसका भी मटेरियल सेम वैसा ही है जैसे पहले वाले टॉप का था। सो मटेरियल इसका प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। दिस इज़ अगेन फॉर 150 और 160 आई थिंक। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा, अंडर 200 लाइक काफ़ी अच्छा टॉप है ये। सो काफ़ी बेसिक है, आप इसे काफ़ी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रेची मटेरियल है, एल साइज वालों को भी ईजिली आ जाएगा। सो टू साइज है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना, जो भी आपका साइज है वही टॉप लेना। टॉप है वो है दिस ब्लैक कलर का टॉप, और ये ना काफ़ी स्मॉल वाला राउंड नेक है। सो बिल्कुल क्लोज्ड वाला राउंड नेक है, और स्लीव्स इसकी कैप स्लीव्स हैं, बाकी की फुल स्लीव्स थी बट इसकी कैप स्लीव्स हैं, और ये भी आपको लाइक जहाँ पर आपके जीन्स की वेस्ट आती है ना वहाँ पर ही आएगा। सो टॉप वाला ही लेंथ है इसका, बट इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। लाइक उन दोनों का मटेरियल ना थोड़ा सा लाइक ऐसे क्लमजी सा था, बट इसका मटेरियल सच में काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेच है इसमें काफ़ी अच्छा, बट इसकी क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है। सो ये वाला टॉप ना देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक आप बाहर भी जाओगे ना आप इसे इजीली पहन के जा सकते हो, बिकॉज इसकी क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लग रही है। सो ये भी अंडर 200 है, मैं स्क्रीन पे प्राइस मेंशन कर दूंगी। एंड दीज आर बेसिक टॉप, लाइक ऐसे टॉप ना आपके पास होने चाहिए अगर आप ऑफिस और कॉलेज जाते हो, बिकॉज आपको आप इसे काफ़ी तरीके से स्टाइल कर सकते हो, लेयरिंग कर सकते हो इसके साथ, नॉर्मली आप जीन्स के साथ ट्राउजर्स के साथ इनको कैरी कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने इसमें काफी बेसिक टॉप इंक्लूड किए हैं, बिकॉज ऑफिस और कॉलेज में ना ऐसे बेसिक टॉप काफी सही लगते हैं। तो लास्ट पीस जो मैंने मंगाया वो है एक कॉम्बो ऑफ दीज टू टैंक टॉप्स, और एक वाइट है एक ब्लैक है। सो ये ना बेसिक्स हैं, लाइक सबके पास होने चाहिए, मस्ट हैव है अगर आप ऑफिस और कॉलेज जाते हो, बिकॉज आप इसको लाइक एन नंबर ऑफ वे में स्टाइल कर सकते हो, लेयरिंग के कर सकते हो, नॉर्मली भी पहन सकते हो। सो ये बेसिक स्टेपल्स हैं, आई थिंक होने ही चाहिए सबके पास। सो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, और ये मुझे 220 का कॉम्बो मिला, सो 100 का ईच है। सो उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है। ये जो इसका रिप्ड मटेरियल है ना वो काफ़ी थिक क्वालिटी का है, बिल्कुल भी थिन मटेरियल नहीं है, और ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। लाइक वो वाला वाइट टॉप सी थ्रू था, बट ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेच है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ना इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सेम ब्लैक वाला है, स्ट्रैप की भी ना ब्रिथ मुझे काफ़ी सही लगी, ना एकदम नूडल वाली स्ट्रैप्स है, ना ज़्यादा चौड़ी वाली। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद करोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आइडिया ड्रॉप कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।